आ, लेकिन अल्लाह इंसाफ करने वाला है और इन पूरी उम्मीद है कि इंसाफ होगा आज भी इन कोई फ़िक्र नहीं है ये लगे हुए हैं ये अपनी कोशिशें करते रहेंगे और हम अल्लाह से दुआ करते रहेंगे और अल्लाह जो है वो इंसाफ़ करने की हिदायत करता है अदर इंसाफ का निज़ाम होना चाहिए इसलिए इमरान ख़ान ने हिदायत दी है कि दो चीज़ों के ऊपर आप जो है ना कौम ने इकट्ठे होना है एक अदर और इंसाफ के साथ यानी कि आजाद अदगिया के साथ दूसरा कैदी नंबर आठ सौ चार की रिहाई के साथ जी सर क्या ये क्यों ऐसा हो रहा है के साथ? ये हटदर्मी है इनकी और पहले इन्होंने आप देखे ना तहरीक इंसाफ के साथ एक पूरी लिस्ट है जो अटैक होते रहे हैं हमारे निशान जो मसला तहरीक के नहीं वो आवाम का मसला था कौम का मसला था वोटर का मसला था वो इंत निशान का जाना और उसके बाद कैंपेन बंद बल्ला बंद कैंडिडेट बंद इंटरनेट बंद फ़ोन बंद सब कुछ बंद लेकिन फिर भी कौम का जज्बा बुलंद जो आठ फरवरी को हुआ फिर उसके बाद अब आप देखें रिजर्व सीट्स के ऊपर वो बंद तो ये मतवातर ये चीज़ें हो रही हैं लेकिन इन शक इंसाफ और अदल की जीत होगी और सेनेट इंतबात का ये जो इसके अंदर पैसे का जो एक इस्तेमाल है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये जो पैसे का इस्तेमाल है ये हर बारी होता है और ये एक लानत है जिसको दूर करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए बल्कि जिसको प्रमोट करने के लिए इकदाम किए गए हैं जो कि इंतहाई काबिल मजम्मत अमल है सैनट इलेक्शन अव्वल नंबर वन होने ही नहीं चाहिए जो रिप्रेजेंटेशन है में पार्टी लिस्ट पे उसी का फैसला हो जाना चाहिए क्योंकि वो आवाम वोट देते हैं उन नुमाइंदों को तो वही बता देते हैं कि क्या नुमाइंदगी होगी आ, आ, आगे या आवा डिसाइड करते हैं अपने वोट के जरिए अगर होते हैं तो वो ओपन बैलेट से हों अगर होते हैं तो वो ओपन बैलेट से हों क्या वजह है कि आगे आगे करने की कोई वजह नजर नहीं आती है तो होने तो चाहिए और इसके लिए हम अदालत भी आए और आज वो वो केस भी लगेगा आज कि ये किस कानून के तहत ये कह रहे हैं कि जी हम इलेक्शन नहीं होने देंगे ये कि किस कानून के तहत कह रहे हैं तो इसलिए क्योंकि सारे जगहों पे हो जाएंगे तो आप कैसे हो सकते हैं कि एक सूबे को रोक दें वो वफाक की देखें फेडरेशन की अलामत आप सब समझते हैं सैनट जो है उधर हर सूबे की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है तो वो सेनेट पूरी ही नहीं हो सकती जब किसी एक सूबे की और क्यों खैबर पख्तूनख्वा को उसका उसका हक तो उससे छीना जाएगा